मेरा राइड आ गया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग का डे 3 है सिंगापुर में और हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही निकले। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने होटल के नीचे किया, जहाँ पे कैंटीन था, जहाँ पे हम लोग डे 1 पे किया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने $6 का ब्रेकफास्ट किया और इसमें हम लोगों ने फ्रेंच टोस्ट लिया, एक काया टोस्ट लिया, फ्रूट लिया, आइस्ड कॉफी लिया, वाटरमेलन, बस उतना लिया था। तो ये हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में किया और उसके बाद में हम लोग को आज सुबह ही निकलना था, क्योंकि हम लोग का 11:30 बजे का हम लोगों ने बुक किया था स्लॉट म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम के यहाँ पे, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं। बट हम लोग के होटल से ट्रेन था, मतलब MRT था, बट काफी चेंजेस थे। चेंजेस भी थे और डायरेक्टली नहीं था, मतलब काफी 15-20 मिनट का वॉक था। जब हम लोगों ने ऑनलाइन ही बुक किया टैक्सी, तो हम लोग को $13 दिखाया टैक्सी का और हम लोगों ने गोजेक से किया। तो यहाँ पे 4 अलग अलग ऐप है जो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, बट हम लोग को टैक्सी से यहाँ पे आने के लिए रफली 10 मिनट्स गया और काफी सॉर्टेड ड्राइव था। और इनकेस ही आपको अगर वॉक करना रहेगा, बहुत अच्छा एरिया है बाय द वे, वॉक करने के लिए भी काफी सारे पेड़ है। आपको MRT पकड़ना है ऑर्चर्ड स्टेशन तक, तो वहाँ से आपको 20 मिनट्स का वॉक करना पड़ेगा। सो ये हम लोग के पीछे म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम है, ये अब भी काफी ट्रेंड में, काफी लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग टाइप के आइसक्रीम मिलते हैं और अंदर काफी डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज भी है। हाँ, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा म्यूजियम रहेगा। कलर ही एकदम ऐसे वो कैंडी वाला कलर होता है ना, पिंकिश शेड है पूरा। यस, तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। Yes, so just let them know that you would like the dairy free option for the ice cream. Yeah. तो गाइस, हमने म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम का टिकट भी गेटी और गाइड से बुक किया था। यहाँ पर आने के बाद हमने ये वाला टिकट दिखाया जो ऐप में ही है। हाँ। और फिर यहाँ पे QR कोड है, तो बस QR कोड उन्होंने स्कैन किया एंड देन हम लोग को अभी एंट्री देंगे। अभी हम लोग को 5-10 मिनट यहाँ पे या फिर 2 मिनट यहाँ पे वेट करने को बोला। और उसके पहले उन्होंने हमें पूछा कि आपको कोई भी डायटरी रेस्ट्रिक्शंस है क्या या फिर एलर्जी है क्या। तो जैसे अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन खाते हो तो वो आपको बताना है, या फिर वीगन हो आप तो बताना है। जैसे मुझे डेयरी का एलर्जी है तो मैंने उन्हें बताया वो चीज़ और उन्होंने मुझे ये वाला बैंड दिया, मुझे नॉर्मल वाला। हाँ, इनको कोई एलर्जी या फिर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसलिए उनको नॉर्मल वाला बैंड दिया। और गाइस, हम लोगों ने जो टैक्सी बुक किया था वो था गोजेक से। तो ये 4 ऐप्स है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, तो गोजेक एक है, ग्रैब है, राइड है और टाडा करके। ये 4 ऐप्स हम लोगों ने डाउनलोड करके रखे थे जो सिंगापुर में आपको टैक्सी सर्विस के लिए बहुत अच्छे या फिर 2-व्हीलर सर्विस भी मिलता है इसमें, और फूड भी डिलीवर होता है, मतलब स्विगी जैसा है, एक आई गेस स्विगी वाला ग्रैब वाला है। और उसी के साथ ना, अगर आप टैक्सी बुक भी कर रहे हो ना, तो उसमें ऑप्शन आता है, जैसे कि हम लोगों ने गोजेक से किया तो गो कार का आता है, गो एक्सेल का आता है और गो टैक्सी का आता है। तो जो गो टैक्सी होता है ना, वो सबसे चीपर रेट होता है और उसके बाद आता है गो कार। और वैसे ही जो राइड और टाडा है, उसमें भी टैक्सीज आप बुक कर सकते हो जो कि आपको मीटर पे चार्ज करता है। और ये किंजर का आउटफिट कैसा है ये कमेंट सेक्शन में पक्का बताओ। ये टॉप उसने मेरे वजह से लिया। और आज का जो लोकेशन है म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम, उसके लिए एकदम अप्रोप्रिएट कलर है, एकदम कलरफुल। नहीं तो आजकल मैं ज़्यादा न्यूट्रल कलर्स पहनती हूँ, इन्होंने बोला कि नहीं ये कलर ले तेरे पे सूट करेगा, इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया। नीचे बताओ आपको कैसा लग रहा है। और इनका टी शर्ट भी क्यूट है ना एकदम, ये मेरा चॉइस है। हम लोग इसमें बैठे थे ना लॉबी में। हाँ। किंजल, तब जब तू रूम में गई थी तब। हाँ। एक छोटी बच्ची आके उसका टी शर्ट पे भी कुछ डायग्राम तो दिखा रही थी, मुझे बाद में समझा कि उसको ये एलिफेंट दिखाना था मेरे टी शर्ट पर का। मैंने उसका छोटा सा शॉट लिया है, वो मैं डालता हूँ। हाय हमारा इनके साथ ना बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, मैंने देखा है बच्चे और जल्दी से उनको स्माइल भी करते हैं, उनके पास जल्दी से आते हैं। पर्सनालिटी ऐसे है मेरा। हाँ, ही इज गोइंग टू बी अ गुड पार्टनर। बचपन में ना एक्चुअली मेरी मम्मी और मेरी बहन का सबसे फेवरेट कलर था ये पिंक कलर, और हमारे घर में जब भी कलर होता था तो यही कलर लगता था, तो इसलिए मुझे मेरे बचपन के घर की याद आ गई। Is this everyone's like first time here? Yes. All right. So, does anyone know what we're going to do today?
नो आइडिया. यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना देर चाहे रुक सकते हो. 9 PM को क्लोज होता है ये म्यूजियम, तो अगर आप 9 PM तक रुकना चाहते हो तो 9 PM तक रुक सकते हो. और यहाँ पे ऐसे कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे जैसा कि म्यूजियम में होता है. जैसे टच नहीं करना है या फिर चुप बैठना है या फिर खाना नहीं खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे. ये डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजियम है और ऑब्वियसली आइसक्रीम का है तो यहाँ पे तो सब लोग खाएंगे. और अभी उन्होंने हम लोग को फर्स्ट एक्टिविटी दिया है जो कि है हम लोग को अपना आइसक्रीम नेम चूज करना है डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे क्या फ्लेवर्स है और हम लोग को क्या फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं. मैंगो सुशी, ठीक है. कोकोनट का कोको और एंजल, किंजल का एंजल. और ऑब्वियसली शाहरुख खान का होने चाहिए तो शाहरुख क्रंच. और ये ब्रूस ली का ब्रूस लीची कर दिया. हाँ, और ये सबसे फनी है, डेरियाना ग्रांडे. डेरियाना ग्रांडे अभी आइसक्रीम इतना पुराना है, 500 BCE से वहाँ पे तभी इन्वेंट हुआ था. सो आइसक्रीम में का इनविजिबल इंग्रेडिएंट है 30-50% एयर. कौन सा लेंगे, पिंक कोकोनट की चॉकलेट? वन कोकोनट एंड वन चॉकलेट. वी हैव अ यूट्यूब चैनल. ओह वाओ, या वी हैव टू लाइक सी ए बार. ये चॉकलेट है और मेरा कोकोनट है क्योंकि इसमें कोकोनट मिल्क है, नॉट रेगुलर मिल्क. मस्त है, थोड़ा ज़्यादा स्वीट है. हाँ, ये एक्चुअली ड्राइड कोकोनट जैसा टेस्ट आ रहा है इसका, बट बहुत स्वीट है. इन्होंने चॉकलेट फ्लेवर लिया. आई थिंक आपका बेटर होगा शायद. अच्छा, मस्त है. सो अभी जो दो फ्लेवर्स हमने ट्राई किए उसमें का मुझे चॉकलेट ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा स्वीटर नहीं है. उनको मैग्नेट है तो अपन लिख सकते हैं. आइसक्रीम खाने के बाद हमने जो रूम में एंटर किया वहाँ पे बहुत सारे लेटर्स रखे हैं वॉल पे, तो वॉल पे आपको जो भी लेटर्स से लिखना है आप लिख सकते हो. तो हमने ऑफकोर्स हमारा जो ड्रीम है वॉन्डरिंग माइंड्स पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होना चाहिए वो लिखा. पहला जो आइसक्रीम दिया उन्होंने हम लोग को वो कप में था, अभी ये कोन वाला सॉफ्ट सर्व है. और ये वाला हम लोगों ने लिया एप्पल पाए, किंजल नहीं ले रही क्योंकि दूसरा वाला जो फ्लेवर है वो कोई तो पिंक समथिंग है और पिंक वनीला है और दोनों में भी मिल्क है तो वो मिल्क का एलर्जी उसको, तो उसने नहीं लिया है. बट इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है. और ये जो ओवरऑल इसका जो थीम है ना ये पर्टिकुलर पार्लर का, वो थोड़ा सा ऐसा रेट्रो फील है. वहाँ पे म्यूजिक भी जो प्ले करते हैं फिर गेम खेलते हैं वहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ. बट काफ़ी डिफरेंट फील है ओवरऑल. वी आर द चैंपियंस. सो उन्होंने यहाँ पे ना कॉफ़ी भी रखा है, तो इनकेस अगर कोई अडल्ट आता है और उसको ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाना है तो कॉफ़ी और कुछ ड्रिंक्स भी रखे हैं. तो ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ यहाँ पे आइसक्रीम मिलेगा, बट कॉफ़ी और सारे ड्रिंक्स का जो चार्जेस है वो अलग है. जो मैंने देखा कि ब्लैक कॉफ़ी है वो कुछ तो $4 का है. इसको स्टिक नहीं है? नहीं. सो यहाँ पे हमने दो सिंगापुरियन फ्लेवर का आइसक्रीम खाया, एक जिसमें का जो फ्लेवर था पांदान वो एकदम काया बटर जैसा उसका फ्लेवर था. और दूसरा इन्होंने जो खाया उसका नाम याद नहीं है, बट उसमें भी राइस था, दोनों में भी राइस था. और इधर का वो ट्रेडिशनल आइसक्रीम है. मेरे वाले में जो था वो राइस, कोकोनट मिल्क और शुगर था और बहुत ज़्यादा स्वीट था. और यहाँ पे उन्होंने एक मैप बनाया है
तो कहाँ पे कौन से एरिया में आइसक्रीम किस तरीके से डिस्कवर हुआ वो बताया, तो अपने इंडिया में कुल्फी ओरिजिनेट हुआ है। मेरा राइड आ गया है, चलो हैंडसम ड्राइवर है एकदम ही, चलो आइसक्रीम म्यूजियम लेके जाऊंगा। चलेगा। Okay, we have two flavors. We have taro milk tea and we have lychee bandung. Ice cream sandwich jaisa hai. Yes. और ये vegan option. मेरा vegan है जिसमें coconut milk है. हाँ, तो ये sweet potato है और ये भी ice cream sandwich जैसा ही है और ये normal है, ये vegan नहीं है. But ये बहुत ज़्यादा creamy है क्योंकि ये sweet potato से बना है. Okay. और ये बिस्किट जो है ऊपर उसकी वजह से टेस्ट अच्छा लग रहा है, क्रंची है बिस्किट, स्वीट पोटैटो का टेस्ट भी आ रहा है। हाय, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज कॉफी मैन। ओह, यू आर फ्रॉम सिंगापुर? नो, आई एम फ्रॉम जापान। ओह, जापान। यू आर यूट्यूबर? यस यस। यू आर सर्चिंग फॉर चैनल, राइट? चैनल नेम इज वंडरिंग माइंड्स। हां, वंडरिंग माइंड्स। वंडरिंग माइंड्स। यस, सो वी गॉट न्यू सब्सक्राइबर। He's from Japan. Yes. I didn't get your name. Your name is? Koki. Koki. Yes. पोस्टकार्ड है हम लोग यहाँ पे स्टिक कर रहे हैं, तो हमारा ये वीडियो देखने के बाद अगर आप में से कोई भी यहाँ पर आ रहे हो तो हमें इसका पिक्चर क्लिक करके जरूर इंस्टाग्राम पे टैग करना। सो ये चीज़ केक है और इसके अंदर फिश जेलेटिन भी है और ये वीगन है कम्प्लीटली। हाँ, इसमें कोकोनट है, पीनट्स है और आई थिंक शुगर है और ऊपर स्प्रिंकलर्स डाले। अगर आप वेजिटेरियन भी हो तो वीगन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। बहुत ज़्यादा मीठा है। अच्छा अच्छा, वन टू थ्री गो। सो गाइस, जो स्प्रिंकल वाला स्विमिंग पूल है ना, वो तो बहुत ही फन है, बहुत मजे किए हम लोगों ने। लिटरली हम लोगों ने कैमरा साइड में रख दिया था और बैठ गए थे स्विमिंग पूल में, एकदम बच्चे हो गए थे। मुझे तो ऐसे शेल्डन ही याद आ रहा था बिग बैंग थ्योरी में का। बहुत सही है और बच्चे लोग तो बहुत एंजॉय करेंगे। हम लोग एडल्ट से, हम लोगों ने भी एंजॉय किया। इनकेस आपको बच्चे नहीं है, आप सिर्फ एज ए कपल भी आना चाहते हो तो भी आप काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। बट अगर आपके साथ बच्चे है ना तो वो लोग तो मतलब लूज कर देंगे, इतना एंजॉय करेंगे क्योंकि आइसक्रीम मिलता है कंटिन्यूअसली हर जगह पे, छोटे छोटे गेम्स रखे हैं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत सारे एज इन आपको पांच स्टेशन पे अलग अलग पांच आइसक्रीम आपको ट्राई करने मिलते हैं। और गाइज, ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप पूरा शाम तक यहाँ पे रुक सकते हो। सिर्फ इतना है कि जो आप जब एंटर करोगे ना तो बैकवर्ड एंट्री नहीं है किधर भी। हाँ, मतलब आप पीछे नहीं आ सकते, पीछे नहीं आ सकते, एक बार आगे गए तो आगे ही जाना है, पीछे नहीं आना है। सो गाइज, इस जगह का जो टिकट है वो मैंने गेटी और गाइड ये ऐप से डाउनलोड किया है, ये वेबसाइट पे भी है। और ये टिकट मैंने 15-20 डेज पहले ही बुक कर दिया था ऑनलाइन, तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो और अगर टिकट फुल रहेगा, मतलब टिकट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो आप डिसअपॉइंट होकर वापस नहीं जाओगे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो यहाँ पे टाइम स्लॉट्स है, तो हम लोग का 11:30 का टाइम स्लॉट हम लोग ने बुक किया था, तो ऐप पे आपको ऐसे सारे टाइम स्लॉट्स दिख जाएंगे, तो आपको जो टाइम स्लॉट सही लगता है ना आप वो बुक कर डालना और वो टाइम स्लॉट पे आप आ सकते हो। ये ऐप का प्लस पॉइंट ये है ना कि आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, मतलब अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सएप पे उनको पूछ सकते हो।
और अगर आपका प्लान चेंज होता है तो आप 24 आवर्स पहले तक ये टिकट को कैंसिल कर सकते हो, आपको फुल रिफंड भी मिल जाता है। और आपको ना तो टिकट डाउनलोड करना पड़ता है ना ही आपको प्रिंट आउट कैरी करना पड़ता है, क्योंकि आप जिस भी लोकेशन में जाओगे तो आपको सिर्फ ऐप ओपन करके दिखाना है, वो स्कैन करके आपको पूरा एक्सेस दे देंगे। और उसी के साथ गेट योर गाइड जो है वो मोर देन 3600 डेस्टिनेशन में है, और उसमें आप 60,000 से भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस बुक कर सकते हो। और इसमें इंक्लूड ये भी होता है कि आप लोकल एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, वो आपको नॉलेजेबल और बहुत ही एक्सपीरियंस गाइड देते हैं। और हमारा जो अफिलिएट लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो अगर आप बुक करते हो तो हमें भी थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है। सो नीचे दिए हुए लिंक से आप जरूर बुक कीजिएगा। बाय। सो हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप है गार्डन्स बाय द वे, और यहाँ से अगेन बस स्टॉप पे जाना है या फिर MRT स्टेशन पे जाना है, तो वॉक करना था एटलीस्ट 10 मिनट्स का। और अभी बहुत ज़्यादा धूप है क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, इसलिए हमने फिर से टैक्सी बुक किया डायरेक्टली गार्डन्स बाय द वे के लिए, और हमें दिखा रहा है $12 और पहुँचने के लिए और 15 मिनट्स दिखा रहा है। और ये हमने बुक किया गोजेक से। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, टैक्सी तो वेल मेंटेन्ड है ही सारे, और बहुत अच्छे अच्छे कार्स आपको मिलते हैं अगर आपने टैक्सी बुक किया तो, बट जो ड्राइवर्स है वो बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड है, आपको बहुत वेलकमिंग फील कराते हैं और आपको हेल्प भी करते हैं। जैसे हम लोग गार्डन्स बाय द वे पहुँचे तो उन्होंने बताया हमें कि रात तक रुकिएगा क्योंकि यहाँ पे लाइट शो भी होता है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था टैक्सी का हमारा। अभी हम लोग को थोड़ा भूख लग रहा है क्योंकि 3:30 बज चुके हैं, तो हम लोग आए हैं मैकडॉनल्ड्स में लंच करने के लिए। कितने साल के बाद मैकडॉनल्ड्स का खाएंगे, पर देखते और भी कोई रेस्टोरेंट रहेगा तो वहाँ पे खाते, इसको लास्ट चॉइस देते हैं। यस, क्योंकि हम लोग मैकडॉनल्ड्स बिल्कुल नहीं खाते।